ए सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। इसी तरीके से 3 नवंबर की करंट अफेयर्स में भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप में से काफ़ी लोगों ने उन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए थे। तो क्या थे उन क्वेश्चंस के सही आंसर, इस वीडियो के लास्ट में आप वो भी जान सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो का डिटेल PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का कि 3 नवंबर 2018 को पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में 2 दिवसीय ज्ञान कुंभ का उद्घाटन किया गया। हमको बताना है कि ये किसके द्वारा किया गया है ज्ञान कुंभ का आरंभ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ज्ञान कुंभ जो दो दिवसीय कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है, और यहाँ पर से आप इसको देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है, भारत के 18 राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा सचिव जो है भाग लेंगे, साथ ही साथ इसमें भारत के 131 विश्वविद्यालयों के कुलपति भी भाग लेंगे। तो इस हिसाब को यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। 18 राज्य जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो ये ज्ञान कुंभ आयोजित किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य है शिक्षा के, कह सकते हैं कि जो एजुकेशन के नए मेथड को ढूंढना, तो उसी को लेकर जो है इसमें चर्चा की जाएगी, किस तरीके से हम लोग जो है शिक्षा के नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यही इस चीज़ के लिए जो है इसका उद्घाटन यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, ये आपको पता होना चाहिए, और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी नहीं लिखा है मैंने, राजधानी देहरादून है उत्तराखंड की, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि 2 नवंबर 2018 को BBS लक्ष्मण ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है हमको ये बताना है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड, ओके 281 एंड बियॉन्ड। और क्यों इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो बुक है ये 19 नवंबर से जो है मार्केट में मिलने लगेगी, यानी कि 19 नवंबर से इस बुक को ख़रीदा जा सकता है। अभी इसको लॉन्च किया गया है 2 तारीख को, ओके। इस पुस्तक का नाम जो है इसलिए रखा गया है 281 एंड बियॉन्ड क्योंकि 2001 में इन्होंने ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रनों की शानदार पारी खेली थी, तो उसी की याद में जो है उसी से प्रेरित होकर इन्होंने 281 एंड बियॉन्ड जो है इस पुस्तक का नाम रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए बेसिकली, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है, तो बस यही याद रखिएगा इनकी पुस्तक का आत्मकथा का क्या नाम है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि रेलवे द्वारा जनरल टिकट बुक करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर है UTS, ठीक है। वैसे इसका नाम UTS एंड ऑन मोबाइल है, तो इसको बेसिकली जो है UTS इसी नाम से जो है ये चर्चा में है। तो UTS ऐप जो है लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। हालाँकि ये जो ऐप है ये पहले से ही जो है काफ़ी जगह पर चल रहा था, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं पहले। UTS जो है कुछ स्थानों पर पहले से चल रहा था, जैसे कि मुंबई वगैरह में जो है इसको जनरल टिकट जो होता है ना, सामान्य श्रेणी का जो टिकट होता है, यानी कि जब आप रिजर्वेशन नहीं करवाते हैं तो आपको जो है लाइन पे खड़े होकर टिकट खरीदना पड़ता है, तो अब जो है आप इस ऐप की सहायता से टिकट खरीद सकते हैं। तो इसको जो है पूरे देश में आप लॉन्च कर दिया गया है, पहले से मुंबई और दिल्ली वगैरह के कुछ स्टेशन के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, ट्रायल के तौर पर। तो वहाँ पर ही ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अब जो है इस ऐप को पूरे देश भर के लिए लॉन्च किया गया। UTS ऑन मोबाइल इस ऐप का नाम है, तो ऐप का नाम आप याद रखिएगा बेसिकली, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके लिए इस अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनरल टिकट बुक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो UTS ऑन मोबाइल, ओके। ये पहले से ही लॉन्च था, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अभी जो है पूरे देश में इसको मतलब लॉन्च किया गया है, इसको पहले से ही जो है कुछ राज्यों में, कुछ स्थानों पर, कुछ स्टेशन के लिए जो है लॉन्च किया गया था पहले से ही। केंद्रीय रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए यहाँ से। तो ऐप का नाम याद रखिएगा, और जो रेल मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, इनका नाम याद रखिएगा।
इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में अतुल गोयल किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो याद रखिएगा कि जो उनको अतुल गोयल हैं वो यूको बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पूर्व जो है ये बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात थे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, पहले सीईओ थे बैंक ऑफ इंडिया में, अब जो है आ चुके हैं यूको बैंक में। इन्हें जो है इन्होंने जो आर के तक्कर का स्थान लिया है। तो पहले आर के तक्कर जो है वो यूके बैंक के एमडी हुआ करते थे, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं, तो उसके स्थान पे अतुल गोयल को यूको बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, तो ये भी याद रखिएगा, ओके, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय पड़ता है कोलकाता में। 2 नवंबर को यूको बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं अतुल गोयल। इसके बाद हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन कि 2 नवंबर 2018 को न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। रमेश रंगनाथन जो हैं वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पे नियुक्त हुए हैं, और उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश थे KM जोजेफ, इनको जो है इनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इनको जज बना दिया गया, तो इनका प्रमोशन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट इनको पहुँचा दिया गया है KM जोजेफ को, और इनकी जगह पे न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो इस हिसाब को यहाँ से पता होनी चाहिए। उत्तराखंड के बारे में 2-4 पॉइंट हैं जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर भी बात कर चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके अलावा यहाँ से न्यायमूर्ति कौन है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो भी आपको पता चल गया है, रमेश रंगनाथन। तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम कैप में शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को ICC हॉल ऑफ फेम कैप में शामिल किया गया है। अभी तक इसमें जो है सिर्फ 5 भारतीय शामिल हो पाए हैं, जिसमें से राहुल द्रविड़ हो गए, बिशन सिंह बेदी हो गए, कपिल देव हो गए, सुनील गावस्कर हो गए और अनिल कुंबले हो गए। तो इन 5 लोगों को अभी तक ICC हॉल ऑफ फेम कैप जो है मैं शामिल किया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये सम्मान ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी कुछ जो है विशिष्ट उपलब्धि जिन लोगों ने हासिल कर रखी हो, तो ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर जिनके पास कुछ स्पेशल अचीवमेंट हो खेल से रिलेटेड, तो उन लोगों को ICC की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है, उन क्रिकेटरों को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी तक सिर्फ 5 भारतीय इसमें शामिल हैं और सचिन तेंदुलकर अभी तक इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी जो है उम्मीद है कि उनका नाम भी इसमें ज़रूर आएगा। ICC की अगर बात करें तो ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और CEO हैं डेविड सिटर्सन, और इसी तरीके से मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ICC के अध्यक्ष, CEO और मुख्यालय, याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सूचकांक में सार्वजनिक परिवहन सूचकांक में प्रथम स्थान किसने हासिल किया। तो याद रखिएगा कि अभी जो है ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोलकाता में जो है सर्वाधिक लोग जो है जो सार्वजनिक परिवहन है उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है कोलकाता में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस सूचकांक में अगर मेट्रो शहरों की भागन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेट्रो शहरों में चेन्नई जो है चेन्नई के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और मुंबई के लोग सबसे कम, यानी कि मुंबई के लोग खुद की गाड़ियाँ चलाना पसंद करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरीके से सीधा सीधा ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर ओला के बारे में आप बात करते हैं, ओला का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके CEO और सह संस्थापक हैं भवीश अग्रवाल। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भवीश अग्रवाल जो है वो ओला के CEO और सह संस्थापक हैं। इसके बाद हमारे पास 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन किया गया है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया है, और इसका निर्माण मेडन शहर के विकास में भारतीयों के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, ठीक है। और इसका उद्घाटन इसको जो स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है, इंडोनेशिया के मेडन शहर में, ठीक है। यहाँ पर एक मद्रास नामक गांव है, उसी में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो जो मेडन शहर है वो जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित है, तो इसमें जो है इसको विकसित करने में, इसको डेवलप करने में भारतीयों का जो योगदान है उसी के लिए जो है यहाँ पर लिटिल इंडिया गेट बनाया गया है।
मेडन शहर इंडोनेशिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। इंडोनेशिया के बारे में दो लाइनें हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया, और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति, मुद्रा और इंडोनेशिया की राजधानी। इसी तरीके से हमारे पास नाइन्थ वाला है कि किस देश के मंत्रिमंडल ने विदेशी श्रमिकों को स्वीकार करने के लिए बिल को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान ने के मंत्रिमंडल ने विदेशी श्रमिकों को स्वीकार करने के लिए एक बिल मंजूर किया है। अब इसके तहत होगा क्या, जो भी यहाँ पर विदेशी मजदूर जाएंगे उनको जो है आसानी से काम मिल जाएगा, ठीक है? जापान ने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि जापान के पास श्रमिकों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिसके कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है यहाँ की येन, और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन है, मुद्रा क्या है और राजधानी क्या है। इसी तरीके से हमारे पास 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अजहर अली ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, हमको बताना है कि वे किस देश के खिलाड़ी हैं। तो अजहर अली जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, इसको सीधे सीधे ऐसे ही याद रखिएगा। अजहर अली ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका कहना है कि अब ये जो है टेस्ट मैच में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, इसी वजह से इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की। कल मैंने आपसे पूछा था कि रूस की मुद्रा क्या है, तो इसका जो सही आंसर था वो था रूबल, ठीक है? रूस की मुद्रा रूबल है। तो ज़्यादातर लोगों का इसका सही आंसर था, लेकिन कुछ लोगों ने डॉलर और रूसियन भी लिख दिया था। तो याद रखिएगा रूबल जो है इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा था कि जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल किस वर्ष अपने पद से इस्तीफा देंगी, तो इसका सही आंसर है 2021 तक। जर्मन की जो चांसलर है एंजेला मार्केल, वो 2021 में अपना कार्यकाल पूरा करेंगी और उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसका मतलब ये 2021 में के बाद जो है वहाँ की चांसलर नहीं रह जाएंगी। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता रखा है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की, जिसमें से पहला प्रश्न तो यही है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, आपको ये बताना है। तो जो भी आपको सही लगे इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हमने जल्दी में ही पढ़ रखा है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है? इसी तरीके से सेकंड आपके लिए है कि वेटिकन सिटी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भी क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बाद ही में बताऊंगा। वेटिकन सिटी की मुद्रा क्या है आपको ये बताना है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है आपके लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊँचाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है ये प्रश्न, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ अगर आप लोग को इनके आंसर नहीं भी आते हैं तो गैस करके बताइए कि क्या होगा इनका सही आंसर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप अपना सही आंसर जान पाएँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।